हमें इसमें होंडा का एक सबसे यूनिक फीचर देखने को मिलता है, आपको इसमें एडास लेवल 2 का रडार नहीं देखने मिलता है। लेकिन हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। आज हम आ रखे हैं होंडा थेरिस पे, जहाँ पर की होंडा एलिवेट देखने को मिल जाते हैं। ये अभी हमारे सामने खड़ा है मैनुअल वेरियंट, जो टॉप एंड वेरियंट आता है पेट्रोल में। यह मार्केट में काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि पहले हमें इस सेगमेंट में बहुत कम ही गाड़ी देखने को मिलती थी, किया की सेल्टोस हो गई, क्रेटा हो गई, टाटा की तरफ से आने वाली नेक्सॉन, लेकिन होंडा उसमें कहीं पीछे थी। लेकिन पर अब हमें इसमें होंडा ने ये गैप भी फिल कर दिया है। जब भी होंडा मार्केट में आती है तो कुछ नया ही लेके आती है, जैसे कि पिछली बार हमें होंडा सिटी में देखने को मिला था, उसके हेडलाइट में एक यूनिक फीचर ऐसी हमें इसमें देखने को जाता है। ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 LED हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि लो बीम और हाई बीम के साथ प्रोवाइड करे जाते हैं। इसके साथ ही हमें इसके DRLs देखने को मिल जाते हैं और ये फॉग लैंप दिए जाते हैं। ये हमें एक मैसिव ग्रिल प्रोवाइड करी जाती है, जिसमें कि देखने में ये लगता है कि हमें एक इलेक्ट्रिक है। लेकिन पर ये यहाँ पे हमें एयर इनटेक का ऑप्शन प्रोवाइड करती है कंपनी। इसके साथ हमें इसमें काफ़ी एक मैसिव हुड, जिसमें कि हमें नॉर्मल वाइपर और ये विंडशील्ड वॉशर प्रोवाइड किया जाता है। ये हमें एलिवेट की बैजिंग देखने जाते हैं, ये भी आपको एक एसेसरीज का पार्ट दिया जाता है। इसके साथ ही आपको काफ़ी बड़े एक ORVM देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें कि आपको ये सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर भी प्रोवाइड किया जाता है। इसमें हमें एक ही साइड ये कैमरा देखने जाता है, जो कि आपको लेन डिपार्चर वार्निंग जैसे फीचर्स उसमें शो करता है। इसके साथ ही इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर बटन और ये गेट ओपनर प्रोटेक्शन भी ये आपको एसेसरीज में ही प्रोवाइड करे जाते हैं। इसमें आपको एक ड्यूअल टोन में अलॉय व्हील प्रोवाइड करा जाता है, जिसमें कि आपको सिल्वर कैलिपर और डिस्क ब्रेक के साथ देखने को मिल जाता है। और इसके साथ अगर बात करें इसके प्रोफाइल के बारे में, तो हमें इसमें 17 इंच के प्रोवाइड करे जाते हैं। रियर साइड हमें ड्रम ब्रेक ऑफर करा जाता है। इसके साथ ये हमें क्रोम फिनिश में हैंडल देखने को मिल जाते हैं। ये हमें इसका फ्यूल लीड ओपनर और ये हमें पेट्रोल में प्रोवाइड करी जाती है, जिसमें कि ये आपको एक एल शेप में टेल लैंप्स प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे एलिवेट की बैजिंग और ये आपको रिफ्लेक्टर, रियर साइड के पार्किंग सेंसर, जिसमें कि ये भी आपको एज एसेसरीज देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके ये फेक एग्जॉस्ट ये IVTEC की बैजिंग, ये आपको देखने में ऐसा लगेगा कि पूरी एक कनेक्टिंग टेल लाइट है, जो कि हमें LED बार देखने को मिलती है। लेकिन पर ऐसा नहीं है, ये सिर्फ यहीं तक ही फंक्शनल है। इसके बाद ये आपको एक डेमो प्रोवाइड करा जाता है, इसका आपको रात में पता चलेगा। यहाँ पे होंडा की बैजिंग, ये आपको पीछे की तरफ डिफोगर दिए जाते हैं और इसके साथ ये नॉर्मल वाइपर और ये वॉशर प्रोवाइड करा जाता है। रियर साइड कैमरा ये प्रोवाइड करा जाता है। ये जो आप काफी बड़ी एक क्रोम की देख रहे हैं, ये सब एसेसरीज में हमें प्रोवाइड करा जाता है। इसमें ये भी एज एसेसरीज क्लाइडिंग देखने को मिल जाती है प्लास्टिक की। ये आपको मड फ्लैप, अगर हम इसके इंजन ऑप्शन के बारे में बात करें कि हम इसमें इंजन में क्या क्या प्रोवाइड करती है, तो कंपनी जैसे कि दोस्तों हमें पता है, हमें इसमें दिया जाता है 1.5 लीटर का IVTEC डॉग पेट्रोल विद VTC इंजन, जिसमें कि हमें 1498 cc के साथ मिलती है। इसमें हमें मैक्सिमम पावर प्रोवाइड कर जाती है 119.35 bhp की, जिसमें कि हमें 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क और नंबर ऑफ सिलेंडर फोल के साथ हम इसमें पर वॉल सिलेंडर 4 प्रोवाइड करे जाते हैं। इसमें कि आपको इसमें फ्यूल सप्लाई सिस्टम, डायरेक्ट इंजेक्शन देखने को मिल जाता है। इसके साथ अगर बात करें इसके इंटीरियर के बारे में, तो हमें इसमें इंटीरियर में भी कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ये कुछ ऐसा हमें इसका इंटीरियर देखने को मिल जाता है। ये हमें काफ़ी मैसिव एक डिस्प्ले प्रोवाइड करी जाती है, जिसमें कि आपको इसमें 3-spoke स्टेयरिंग व्हील और ये आपके एक कम्युनिकेशन कंट्रोल देखने को मिल जाता है, एंटरटेनमेंट कंट्रोल और इधर के ऑडोमीटर
कंट्रोल दिए जाते हैं। इसी के साथ हमें इसमें टेक्नोमीटर, ग्लव बॉक्स, कंपार्टमेंट ये रहा, और ये हमें मैनुअल देखने को मिलती है। ये हमें इसमें गियर नॉब दिया जाता है, इसमें आप अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। इसमें आपको दो बोतल होल्डर और ये आपको एक चार्जिंग सॉकेट बैटरी का प्रोवाइड कर जाता है। इसमें आपको दो यूएसबी ए टाइप केबल और ये आपके वायरलेस चार्जिंग, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट सॉकेट। इसमें आपके सारे एसी कंट्रोल और ये आपके एसी वेंट दिए जाते हैं। ये आपको एक वुडन फिनिश में देखने को मिल जाती है देखो, लेकिन है ये एक प्लास्टिक जिसमें कि आपको वुडन के दे जाते हैं। और ये आपको सॉफ्ट टच में प्रोवाइड किया जाते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ आपको हार्ड टच देखने को मिल जाता है। टोटली हमें 3 टोन में डैशबोर्ड प्रोवाइड करा जाता है। ये वाला स्टीयरिंग पे आपको काफी बड़ा एक होंडा का लोगो, जिसमें कि आपको राइट साइड पर ही आपके ORVM कंट्रोल और ये आपको ऊपर एक सनरूफ भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि आपको ये रहे सनरूफ कंट्रोल, ये आपके अंदर लाइट्स। सेफ्टी के बारे में बात करें तो हमें इसमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म, नंबर ऑफ एयरबैग 6, ड्राइवर एयरबैग, पैसेंजर एयरबैग, साइड एयरबैग, डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर, पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर, रियर सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजर वार्निंग, साइड इंपैक्ट बीम, फ्रंट इंपैक्ट बीम, ट्रैक्शन कंट्रोल, एडजस्टेबल सीट्स, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, इंजन इम्बोलाइजर, क्रैश सेंसर, सेंट्रली माउंटेड फ्यूल टैंक, EBD एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, जैसे हम इसमें सेफ्टी फीचर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। हमें इसमें होंडा का एक सबसे यूनिक फीचर देखने को मिल जाता है, आपको इसमें एडास लेवल 2 का रेडार नहीं देखने को मिलता है, लेकिन पर इसमें आपको कैमरा प्रोवाइड किया जाता है। ये आपको कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आप सारे एडास के फीचर्स को एक्सेप्ट कर सकते हो, जैसे लेन डिपार्चर वार्निंग जैसे एक्सेट्रा। यह हमें इसका बूट स्पेस देखने को जाता है काफ़ी बड़ा। इसी के साथ हमें इसके नीचे इसके चपनी टायर प्रोवाइड किया जाता है। यह आपको मैट, ये भी एज एसेसरीज का पार्ट प्रोवाइड करा जाता है। इसके नीचे आपको अपना स्टेपनी टायर प्रोवाइड करा जाता है, ये रहा। इसी के साथ ये आपका जैक और ये बाकी सारे टूल्स किट भी हमें इसमें देखने को जाते हैं। इसमें हमें 16 इंच का टायर प्रोवाइड करा जाता है। लेकिन पर इसका हमें क्लोज टाइप में काफी सॉफ्ट क्लोजिंग देखने को जाते हैं। ये सारी आपको एक एसेसरीज की पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं सारे, बस ये आपको कंपनी से प्रोवाइड करा जाता है। ये ORVM पे जो क्रोम है, ये भी आपको एज एसेसरीज ही प्रोवाइड करी जाती है। ये हमें इसके रूफ रेल देखने को मिल जाते हैं और ये ऊपर का सनरूफ। ओवरऑल बात करें तो इस गाड़ी के बारे में, हम इसमें काफ़ी एक बढ़िया फीचर्स लोडेड कार देखने को जाते हैं, जिसको कि होंडा ने इस गैप को फुलफिल किया है। अब ये मार्केट में एक न्यू कंपटीशन ऐड हो गया है, जो कि सेल्टोस, क्रेटा और नेक्सॉन के बीच में इन सबको कम्पीट करेगी। ये सारे हमें इसके कॉम्पिटिटर देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ हमें इसके ऊपर इसमें साफ फैन एंटीना और 2 रूफ एम्बोस देखने को मिल जाते हैं। ये आपके स्ट्रेंथ को दिखाते हैं कि आपकी कार कितनी मजबूत है। ये कुछ आपको इसमें ये प्राइस लिस्ट इस पर आपको देखने को मिल जाती है आपके एसेसरीज की। तो दोस्तों आपके लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये गाड़ी चाहिए तो आप होंडा चेरिश पे विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।